चले अगर अपन बात शुरू करें और अच्छे से शुरू करें। तो सर क्वेश्चन नंबर वन तो अपने साथ में कर लिया, अब अगर अपन बात करें क्वेश्चन नंबर वन के बारे में, क्वेश्चन नंबर टू के बारे में, तो क्वेश्चन नंबर टू काफी कैलकुलेटिव है, साथ में चलेंगे। आपको बोलेंगे एक ट्राइंगल भाई पी क्यू आर गिवन है, हमने बोला ठीक है भाई कि ट्राइंगल कौन सा गिवन है, बड़ा मजा आएगा इसे सॉल्व करने में, मतलब कोई टफ ही नहीं। सर अगर अपन बात करें तो ट्राइंगल पी क्यू और आर गिवन है, आपको बोल के रखा है कि एक लाइन है भाई ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, हमने बोला थैंक यू, आपको कुछ ऐसे तो किया था कि आप बोलो कि ई एफ इज पैरेलल टू कितना क्यू आर। फिर वो बोल रहे हैं कि आपसे पूछ रहे हैं कि चेक करो कि ई एफ से चेक कर रहे चेक करो कि कौन से केसेस में ई एफ पैरेलल टू क्यू आर होगी कि नहीं होगी, जबकि देखे बहुत कुछ रखा है। पहले वाले केस में उन्होंने कहा पीई 3.9 देके रखी है, ई क्यू 3 देके रखी है, पी एफ 3.6 देके रखी है और एफ आर 2.4 देके रखी। हमने बोला भाई देखो ये रेशियो इक्वल होंगे तो लाइन्स पैरेलल है और रेशियो इक्वल नहीं है तो लाइन्स पैरेलल नहीं है। हम चेक करते हैं कि भाई पीई अपॉन में कितना ई क्यू इज इक्वल टू क्या पी एफ अपॉन में एफ आर है क्या पहले केस में, तो सर ये 3.9 अपॉन में कितना 3 इज इक्वल टू क्या 3.6 अपॉन में 2.4 है क्या। पहली बात तो पॉइंट से डर लगता है तो पॉइंट हटाता हूँ, जीरो लगाता हूँ, पॉइंट से पॉइंट क्या कर लेता हूँ कैंसिल, तो ये 3 टेन्स आ, ये 13 आ, ये कितना हुआ 3 ट्वेल्व आ, ये 8 आ, तो सर ये तो मेरे को लग तो नहीं पा रही है, मतलब ये 4 2 आ, ये 3 आ, हट तो पहले वाले में पैरेलल नहीं है, पहले वाले में पैरेलल नहीं है, है ना भाई। उन्होंने बोला चेक करो कि पैरेलल है कि नहीं, हमने बोला देखो इफ रेशियोज आर इक्वल लाइंस आर पैरेलल। देखो बीपीटी क्या बोलती है, बीपीटी बोलती है इफ लाइंस आर पैरेलल, इफ लाइंस आर पैरेलल, जो बीपीटी बोलती है ना किस प्रकार से बोलती है, इफ लाइंस आर पैरेलल देन रेशियोज आर इक्वल, हाँ ये बीपीटी बोलती है। और इसका कन्वर्स क्या बोलता है, मतलब इसका उल्टा, इफ रेशियोज आर इक्वल, इफ रेशियोज आर इक्वल लाइंस आर पैरेलल, लाइंस आर व्हाट पैरेलल। तो सर आप समझाना क्या चाहते हो, मतलब देखो समझने की तो बहुत सारी बातें हैं, फिर भी अगर आप आराम से देखो तो सेकंड वाले केस में आपके पास क्या है, अगर अपन बात करें तो कैस पीई कितना है 4 और क्यूई कितना है 4.5, देन आपके पास पीएफ कितना है 8 और अगर अपन इसमें देखें कितना आरएफ कितना है 9। चेक करते हैं क्या इसकी पीई अपॉन में ईक्यू और पीएफ अपॉन में एफआर इक्वल होंगी क्या। सर देखो पीई कितना बोल रहे हो आप 4, पीएफ कितना बोल रहे हो, पीएफ कितना बोल रहे हो आप 8 और ये कितना 9। सर देखो पॉइंट से डर लगता है, ये पॉइंट हटाया जीरो लगाया 8 5 8 जा और 5 9 जा, तो सर ये तो इक्वल है, हाँ 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 सेकंड वाले केस में लाइंस पैरेलल हैं, सेकंड वाले केस में लाइंस क्या है पैरेलल, ये भी 8 बाय 9 है वो भी क्या है 8 बाय 9। तो सर तीसरे केस में क्या गिवन है, मैंने बोला चलो तीसरा केस भी चेक कर लेते हैं, तीसरे केस में क्या गिवन है, ये गिवन है 1.28, ये कितना गिवन है 2.56, फिर वो कितना गिवन है 0.18 और ये कितना गिवन है 0.36। चेक करते हैं क्या पीई डेट इज कितना 1.28 अपॉन में कितना 2.56, यहाँ पे कितना है 0.18 और कितना 0.36, पॉइंट से पॉइंट गेट कैंसल, ये वन जा ये टू जा, शायद इसके पॉइंट से इसके पॉइंट कैंसल, ये वन जा ये टू जा, क्या रेशियोज इक्वल है इसके। सर अगर रेशियोज इक्वल हैं तो क्या लाइंस पैरेलल होंगी, द आंसर इज यस, अगर रेशियोज इक्वल हैं तो लाइंस क्या हो जाएंगी आपकी पैरेलल, यस थर्ड वाले केस में लाइंस क्या है पैरेलल। तो सर सिर्फ फर्स्ट वाले में नहीं थी, सेकंड वाले में भी हैं और थर्ड वाले में भी लाइंस पैरेलल हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड को अगर अपन देखें तो कुछ
ऐसे फिगर बनाने की बात करी गई है, तो तुम भी साथ में बना लो तो अच्छा हो जाएगा। ये आपके पास लाइन है ए सी, फिर ये बी है, मतलब एक ऊपर ए बी सी है और नीचे ए सी डी एक ट्राइंगल है, और यहां से बड़ी अच्छी सी बातें बोली गई हैं कि एम एल और यहां से एल एन। गिवन क्या है सबसे पहले? तो देखो गिवन जो इन्होंने क्वेश्चन का देखो गिवन, उन्होंने बोला है कि भाई एल एम पैरेलल टू कितना है, बी सी। दिल खुश हो गया ये सुन के, दिल खुश हो गया ये सुन के कि अगर एल एम पैरेलल टू क्या है, बी सी। एल एम पैरेलल टू क्या है? इफ लाइंस आर पैरेलल रेशोज आर, तो सर जैसे ही आप बोल रहे हो ना कि एल एम पैरेलल टू बी सी है, हमारा दिल खुश हो गया सर। मतलब ऐसा मजा आ गया कि ट्राइंगल ए बी सी के अंदर, ट्राइंगल ए बी सी के अंदर आप बोल रहे हो कि एल एम पैरेलल टू क्या है, बी सी। मतलब मेरा दिल बोलेगा एम अपॉन में कितना एम बी, एम अपॉन में कितना एम बी इज इक्वल टू ए एल अपॉन में कितना, मतलब एम अपॉन में एम बी इज इक्वल टू ए एल अपॉन में एल सी। सर ठीक है, ये अपनी क्या हो गई इक्वेशन वन, क्या हो गई इक्वेशन। फिर कुछ और भी गिवन है क्या सर? अगली चीज बोल रहे हैं एल एन पैरेलल टू कितना, सी डी। दिल खुश हो गया है सुन के, एल एन पैरेलल टू क्या है, सी डी। एल एन पैरेलल टू क्या है, सी डी। इसका अर्थात क्या, इसका मतलब क्या कि सर इसकी ए एल अपॉन में एल सी इज इक्वल टू ए एन अपॉन में एन डी। सर इफ रेशियोज आर इक्वल लाइंस आर पैरेलल, ये कौन बोलता है, कन्वर्स ऑफ बीपी। नहीं, इफ लाइंस आर पैरेलल देन रेशियोज आर इक्वल। बीपीटी बोलती क्या है, अगर तुम लाइनें पैरेलल होगी तो मैं तुम्हारे रेशोस, ठीक है ना, ये आर मतलब रेशोस, क्या कर दूंगी इक्वल। रेशोस क्या कर दूंगी इक्वल। इफ लाइंस आर पैरेलल रेशोस आर इक्वल, इफ रेशोस आर इक्वल इफ लाइंस आर पैरेलल इफ रेशोस आर इक्वल। आया समझ में? ठीक है, अब अगर अपन बात करें सिस्टमेटिकली इसको समझने की, तो देखो ना ये तुम्हारी इक्वेशन वन है और ये तुम्हारी इक्वेशन क्या है, टू। मैंने बोला तू भी ए एल अपॉन एल सी की इक्वल, तू भी ए एल अपॉन एल सी की इक्वल, मतलब जो ऊपर वाली चीजें हैं वो भी किसके इक्वल, ए एल अपॉन एल सी के, जो नीचे वाली चीजें हैं वो भी किसके इक्वल, ए एल अपॉन एल सी के। तो क्या ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे क्या? इसका मतलब भाई तू भी ए एल अपॉन एल सी की इक्वल, तू भी ए एल अपॉन एल सी की इक्वल, मतलब मैं बोल सकता हूँ क्या, ए एम अपॉन में एम बी इज इक्वल टू ए एल अपॉन में एल सी, ए एन अपॉन में एन डी। ए एन अपॉन में कितना सर, उमदा लेवल का क्वेश्चन। मैंने बोला मुझे भी अच्छा ही लगा, एक बार तुम भी देख लो, फिर अपन आगे बात करेंगे अच्छे से और आराम से। अभी देखो चाहो चाहो तो अब आप खुद समझो कि अगर ए एम अपॉन में एम बी, समझो ये हो गया तुम्हारे पास कुछ बी इज इक्वल टू क्या है, ए एन अपॉन में एन डी। तो अगर आप इसके अंदर चाहो तो फिर इसको रेसिप्रोकल भी कर सकते हो, तो रेसिप्रोकल करोगे तो क्या हो जाएगा, एम बी अपॉन में कितना ए एम इज इक्वल टू एन डी अपॉन में कितना ए एन, ठीक है ना, सही है यहाँ तक। मेरी ऐसी इच्छा है थोड़ी सी कि अगर तुम लोग अलाउ करो, वैसे तो वो डायरेक्टली भी बोल सकते हो कि ये इक्वल होता है, गर्म होती है, फिर भी एक चीज सिखा देता हूँ, एम बी अपॉन में ए एम, इस तरफ भी प्लस वन कर रहा हूं, उस तरफ भी क्या कर रहा हूं, प्लस वन। सर प्लस वन कर सकते हैं क्या भाई, एलएचएस में भी कर रहा हूं, आरएचएस में भी कर रहा हूं, तो कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, एलएचएस में भी हो रहा है और आरएचएस में भी हो रहा है। ये क्या उधर, ये भी क्या उधर, तो यहां पे क्या हो जाएगा, एम बी प्लस ए एम अपॉन में कितना ए, एन डी प्लस ए एन अपॉन में कितना, बताओ एम बी प्लस ए एम कितना हो जाएगा। ऊपर वाला फिगर देखे तो सर एम बी प्लस ए एम कितना हो जाएगा, ए बी अपॉन में ए एम, एन डी प्लस ए एन क्या हो जाएगा तेरे पास, ए डी अपॉन में कितना ए एन, सही है क्या सर? ये लास्ट स्टेप को क्या आप डायरेक्टली बिना प्लस वन के डायरेक्टली भी लिख सकते हो, द आंसर इज यस। अब इसका रेसिप्रोकल कर लेगी तो आंसर आ जाएगा।
ठीक है चले, एक लास्ट क्वेश्चन कराना है इसके बाद वाला, वो कंपलसरी है, बड़ा दूंगा दूंगा वक्त दूंगा। एक बार देखो ना यार तुम लोग, अच्छे से देखते हैं अपन और आराम से देखते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, फिगर बड़ा बेतुका सा बना हुआ है और इस फिगर को हम लोग थोड़ा सा दिल से खोलने की कोशिश करेंगे कि ये फिगर चाहता क्या है। तो ये अपने पास ए है, ये अपने पास बी है, ये अपने पास क्या है सी। तो वी हैव गॉट ए बी सी सर, ठीक है। देन मेरे पास यहाँ पे क्या है, डी एफ जो कि इनके हिसाब से ए ई से पैरेलल है, और एक बनाया है इन्होंने डी ई। जो क्वेश्चन में गिवन है उनके बारे में बात कर लेते हैं सर। देखो क्वेश्चन में तो जो गिवन बात है वो ये है कि जो डी ई है वो पैरेलल टू कितना है, ए सी। दिल खुश कर दिया इसने, डी पैरेलल टू कितना है, ए सी। तो खुद ही बोल रहा है ना कि भाई डी ई पैरेलल टू क्या है, ए सी। डी पैरेलल टू कितना है, ए सी। इसका मतलब कहीं ना कहीं अगर मैं बोलूं तो अपन बोल सकते हैं बी डी अपॉन में कितना, ए डी। बी डी अपॉन में कितना, ए डी इज इक्वल टू बीई अपॉन में कितना, ई सी। सर सीधी बात है, मैंने बोला हाँ इसमें कौन सी बड़ी बात है। अभी तो अपन ने पढ़ा था इफ लाइंस आर पैरेलल देन रेशियोज आर इक्वल, किससे भाई, बीपीटी से। किससे, बीपीटी से। तो सर अगर अपन बात करें तो अपन क्या बोल सकते हैं, बी डी अपॉन में डी ए इज इक्वल टू बीई अपॉन में कितना, ई सी। सर ठीक है, हमने इनको बोला थैंक यू। सेकेंड इन्होंने एक बात बोल के रखा है, डीएफ ये रहा डी, डीएफ पैरेलल टू कितना है, ए। डीएफ पैरेलल टू कितना है, तो यार मेरा ध्यान जा रहा है ट्रायंगल एडी की तरफ, दिख रहा है क्या, एडी, ए सॉरी ए बी ई, ए बी ई। सर इसमें आपका ध्यान किस तरफ जा रहा है और क्या बोलना चाह रहा है। तो मैंने बोला देखो यार मेरा जो भी ध्यान है वो इस प्रकार से जा रहा है कि मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर ये लाइंस पैरेलल हैं आपस में, कौन सी लाइंस, ये लाइंस, तो बोल सकता हूँ कि बी डी अपॉन में कितना, ए डी इज इक्वल टू कितना, बी एफ अपॉन में कितना, एफ ई। बी एफ अपॉन में कितना, सर अभी तो अपन ने पढ़ा कि खुद ही बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं सर ये लोग, ये लोग बोल रहे हैं भाई डी एफ पैरेलल टू क्या है, ए। डी एफ पैरेलल टू क्या है आपके पास, डी एफ पैरेलल टू क्या है, ए। तो बी डी अपॉन में कितना, ए डी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन में कितना, ए एफ ई। तो सर प्रूफ क्या करना है, मैंने बोला देख यार जो प्रूफ करना है वो तो वैसे हो ही गया, क्योंकि सर ये टू बी बी अपॉन ई सी के इक्वल, सॉरी टू बी बी डी अपॉन ए डी के इक्वल, टू बी बी डी अपॉन ए डी के इक्वल, तो तुम दोनों आपस में भी इक्वल। भाई देखो ना ये किसके इक्वल है, बी डी अपॉन ए डी की, ये किसके इक्वल है, बी डी अपॉन ए डी की। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि बी ई अपॉन में ई सी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन में एफ ई फ्रॉम इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू।